एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डेंटिस्ट्री टू द पॉइंट। आई एम डॉक्टर सलोनी जैन और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ क्राउन और ब्रिज के बारे में। आखिर क्या होते हैं भारी भारी शब्द, क्राउन का मतलब, ब्रिज का मतलब, कब लगाए जाते हैं, क्यों लगाना जरूरी है, कौन से तरह के होते हैं, कौन से मटेरियल के बने हुए होते हैं, किस कंडीशन में कौन सा लगाना जरूरी है, आगे के दांतों के लिए कौन से लगाए जाते हैं, पीछे के दांतों में कौन से लगाने चाहिए, ये तरह तरह के डाउट्स है जो एक नॉर्मल इंसान के मन में आते हैं जब वो एक डेंटिस्ट के पास जाता है और डेंटिस्ट उसे बोलता है कि अब आपको कैप लगवानी पड़ेगी। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके ये सब क्या है। सबसे पहले तो क्राउन का मतलब क्या होता है। क्राउन का आसान भाषा में मतलब होता है कैप, टूथ कैप, डेंटल कैप, इन नाम से भी उसे बोला जाता है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, जैसा कि नाम बता रहा है कि ये आपका दांत है और उसके ऊपर जो एक ढक्कन लगा है या एक टोपी लगी है दांत के ऊपर, उसको आप बोलते हो आसान भाषा में कैप। दांत के ऊपर का जो कवर है दैट इज आपका क्राउन या फिर टूथ कैप, ये होता है सिंपल। उसके बाद ब्रिज का मतलब क्या होता है। ब्रिज का मतलब ये होता है कि जैसे एक दांत है, दूसरा दांत है और बीच में एक जगह है जो खाली है, जिसमें दांत नहीं है और आपको इस जगह को भरना है, तो एक फिक्स तरह का आप बोल सकते हो चीज होती है जिसको आप ब्रिज बोलते हो, जिसमें दो दांत जो आजू बाजू के है उस खाली स्पेस के आसपास, उनका सपोर्ट लिया जाता है, उनके ऊपर कैप लगाई जाती है और बीच में फिर जो खड्डा है या जो जगह है उसमें नकली दांत बिठाया जाता है। ये फिक्स्ड होता है, ये निकलता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिज। जब दो दांतों का सपोर्ट लेकर बीच में जो दांत लगता है उसको आप ब्रिज बोलते हो, और इसको बोलते हैं तीन यूनिट का ब्रिज, क्योंकि दो दांत और बीच में एक दांत। सिमिलरली अगर ऐसे दो दांत है और उनके बीच में दो जगह खाली है जहां पे दांत बनवाने हैं, तो चार यूनिट का ब्रिज बनेगा। और ऐसे ऐसे जगह बढ़ती जाएगी, आसपास के सपोर्ट का दांत ऐड करते जाओगे, उतने यूनिट का ब्रिज बनता जाएगा। तो ये होता है मोटा मोटा आसान भाषा में क्राउन और ब्रिज का मतलब। अब ये कब लगते हैं, किस कंडीशन में लगते हैं। सबसे पहले तो जब आप रूट केनाल ट्रीटमेंट होता है तो उसके ऊपर लगती है आपकी कैप। रूट केनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, उस पर एक पूरी सेपरेट वीडियो दी गई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, जरूर जाके देखिएगा, उससे आपको पूरा ट्रीटमेंट समझ आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन जिसमें क्राउन लगता है वो होता है आपका ये जो मैंने बोला ब्रिज के कंडीशन में। ब्रिज में क्या होता है, जो आजू बाजू के दो अच्छे दांत होते हैं उनको घिसा जाता है और उनके ऊपर कैप बिठाई जाती है, और जो खाली जगह होती है उसमें तो एक पूरा का पूरा नकली दांत बिठाया जाता है। ठीक है, जो आजू बाजू के दांत होते हैं उनको घिसकर उनका सपोर्ट लेकर उनपे भी कैप लगती है, और ये तीन यूनिट का एक जैसा होता है जो पूरे दांतों पे बैठता है और खाली जगह को भरता है, तो इसे आप बोलते हो ब्रिज। तो दो जगह पे आपकी कैप लगती है। अब रूट केनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप लगाना क्यों जरूरी है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, या मैं बोलूं ये सबके मन का क्वेश्चन है। हर इंसान क्यूरियस होता है ये जानने के लिए कि रूट केनाल के बाद डेंटिस्ट क्यों सजेस्ट करते हैं कि उस पर आप कैप लगवाइए। इसके तीन खास रीजन है। पहला रीजन ये होता है कि रूट केनाल करवाने के बाद जो आपका दांत होता है वो ब्रिटल हो जाता है, मतलब कि उसके खिरने के या टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए आपको कैप लगवानी चाहिए। दूसरा रीजन ये होता है कि जब आप रूट केनाल ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपने देखा होगा जो दांत होता है उसमें पूरा ऐसे खोदा जाता है ताकि नसों तक पहुंच सके। ठीक है, तो जो दांत की वॉल्स होती है आजू बाजू की वो बहुत वीक हो जाती है। हालांकि उसके ऊपर आप सीमेंट भरते हो, रूट केनाल आपने देखा है जब वो पैक कर देते हो पूरा सीमेंट से, बट क्या होता है जैसे ही कोई फोर्स लगता है, जैसे आप चबाने का फोर्स लगाते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है वो दांत उतना सहन नहीं कर पाता और उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए दांत को आपको उस पर कैप लगवानी चाहिए। तीसरा रीजन ये है कि जो आपकी कैप होती है वो हूबहू आपके दांत जैसी होती है, मतलब ये ऊपर का दांत है, ये नीचे का दांत है, पहले ये ऐसे बैठ रहे थे, तो जो कैप लगेगी वो भी ऐसे ही कंटूर में बनेगी कि वो ऊपर के दांत के साथ वैसे ही मिल सके। तो एक फॉर्म और फंक्शन रिस्टोर करने के लिए, उस दांत का नेचुरल उसको दिखाने के लिए भी कैप लगाना जरूरी है। तो ये तीन रीजन होते हैं रूट कैनाल के बाद कैप लगवाना क्यों जरूरी है। उसके बाद अब कैप कितने मटेरियल की आती है, कौन कौन से तरह की आती है, तो जो कैप है तीन तरह की आती है। उसमें सबसे पहली होती है ऑल मेटल कैप। ठीक है, ये क्या होता है, स्टेनलेस स्टील की कैप होती है, ये रस्ट प्रूफ रहती है, मतलब इसमें कोई जंक नहीं लगती, फ्री ऑफ रस्ट रहती है ये पूरी, जो आपकी चांदी की फिलिंग होती है उस कलर की कैप होती है ये। ठीक है, पीछे के दांतों में लगवाई जाती है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, आगे के दांतों में इसे आप नहीं लगा सकते। इनफैक्ट इसका डिसएडवांटेज एक
ये भी है कि जैसे ब्रिज मैंने आपको बताया ब्रिज के बारे में, तो ब्रिज में क्या होता है, आगे और पीछे के जो अच्छे दांत होते हैं उनको आप घिस कर उस पर कैप लगाते हैं, तो उनमें रूट कैनाल नहीं होता। अगर ऐसे दांत पे आप मेटल की कैप लगा दो, तो मेटल क्या होता है, क्योंकि वो थर्मल कंडक्टर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दांत में गर्म ठंडा लगेगा। तो ऐसे केसेस में भी अवॉइड की जाती है मेटल की कैप ब्रिज के केसेस में। बाकी पीछे के दांत में आप लगवा सकते हैं, पर आजकल क्योंकि हम और फॉरवर्ड हो गए अपने लुक्स को लेके, तो लोग पीछे के दांतों में भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो हंसते हैं या बड़ा मुंह खोलते हैं तो वो काली काली चमकती है। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन अब आ गया है, जिसको आप बोलते हो पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल कैप्स या फिर मेटल सिरेमिक कैप्स। इसमें क्या होता है, ये हूबहू दांत के कलर की होती है, बस इसमें ऐसा होता है कि अंदर एक कोटिंग दे देते हैं मेटल की। मतलब आप कैप देखोगे, कैप को ऐसे खोल के अंदर से देखोगे तो अंदर आपको मेटल का कोटिंग दिखेगा, और उसके ऊपर दांत के कलर का, जिसको आप सिरेमिक या पोर्सलिन बोलते हो, उसकी एक परत चढ़ा देते हैं। तो ये आप आगे के दांतों में भी आप यूज कर सकते हो। पर इसके डिसएडवांटेज क्या हो जाते हैं, पहली बात कि आपने अगर आधी थोड़ी सी स्लाइटली ओपेक होती है और थोड़ी सी व्हाइटिश कलर की भी होती है, तो ये 90% मैच कर जाती है आगे के दांतों से। ऊपर से क्योंकि मेटल के ऊपर पोर्सलिन का परत लगा हुआ है, तो जब ये चिप ऑफ होने लगेगा तो आपका जो बाहर पीछे का मेटल है वो दिखने लगेगा, तो वो फिर सामने के दांतों में अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। और एक बात ये भी होती है, जब आप इस कैप को लगाते हो आगे के दांत में, जो इसकी मार्जिन रहती है ना, वो हल्का सा ब्लैकिश यू या ब्लैकिश कलर दिखाती है, तो वो भी अच्छा नहीं दिखता। इसलिए आगे के दांतों में बेस्ट जो होती है वो हमारी थर्ड टाइप की कैप है, जिसको आप बोलते हो ऑल सिरेमिक और पोर्सलिन या फिर जिरकोनिया कैप्स। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला, अभी पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल में आप देखोगे तो अंदर मेटल है, यहाँ पे बिल्कुल मेटल नहीं होता, मतलब ये पूरी सिरेमिक या पूरे दांत की कलर की होती है, आगे पीछे आप कहीं से भी देख लो। तो सबसे ज्यादा अच्छी है ये आगे के दांतों के लिए, मतलब आगे के दांत क्योंकि दिखते हैं, हमको एस्थेटिक्स चाहिए, हमें अच्छा दिखना है, तो जिरकोनिया कैप्स या ऑल सिरेमिक कैप्स प्रेफर की जाती है। इसमें क्या होता है कि ये कलर वाइज ये मतलब 99.9% आपके दांतों से मैच कर जाती है, दांत के कलर से मैच, मतलब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि अच्छा ये कैप का दांत है या नेचुरल दांत है, इतनी अच्छी लगती है। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि यंग पेशेंट्स ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं, या यंग पेशेंट्स में इसको सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है और ऊपर से आगे का दांत है, ज्यादा एस्थेटिक वाइज लुक कॉन्शियस होते हैं सब होते हैं, तो उसमें वो ज्यादा अच्छी दिखती है। एक तरह की कैप और होती है, बट ये इतना चलन में नहीं है या इतने प्रैक्टिस में नहीं है। उसमें ऐसा होता है, जैसे पेशेंट अगर डिमांड कर रहा है कि उसको पूरी मेटल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पीछे का दांत है और पूरी मेटल नहीं चाहिए, पर थोड़ी सी दांत के कलर की भी चाहिए और मेटल का स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो एक बनती है जो आपकी पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल विथ फेसिंग्स बनती है। उसमें क्या होता है, आधा आधा, मतलब दांत का सरफेस, जो दिखने वाला सरफेस है उस पे आप सिरेमिक या पोर्सलिन का कोटिंग, मतलब दांत के कलर की कोटिंग चढ़ा देते हो, और जो अंदर का सरफेस है जो नहीं दिखता उस पे आप मेटल डाल देते हो। ये एक मिड वे है, कि क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जैसे हर पेशेंट जिरकोनिया या ऑल सिरेमिक अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया कि मेटल सस्ती रहती है थोड़ी, उसके बाद PFM थोड़ी और महंगी, फिर जिरकोनिया और महंगी, तो उस हिसाब से ये एक बीच का वो है। हालांकि इतना ज्यादा इसका प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी इसमें कॉम्प्रोमाइज होती है, पर ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये है आपके सारे क्राउन्स के बारे में या आप कैप के बारे में। आई होप आपको समझ आया हो। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ कि अगली बार आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाए तो ये वीडियो आपको समझ आया हो, और वो आपको जो भी समझाए आपको बहुत इजीली समझ आए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो देखते रहिए।